बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये बेसिक सी रेसिपी है जो बिल्कुल हम बेसिक बनाते हैं आम हलवा, ये वो रेसिपी है बिल्कुल सिंपल सी और सादा सी। तो इसके लिए मैंने आधा किलो सूजी ले लिया, सूजी जो है आधा किलो लिया और उसके साथ मैंने तकरीबन सेम आधा किलो ही मैंने देसी घी लिया, आधा किलो से थोड़ा सा कम था। तो वो आप देसी घी डाला, वैसे तो यही है कि आप सेम अमाउंट में लें, लेकिन मैंने थोड़ा सा कम ऐड किया है। और उसके बाद मैंने देसी घी गर्म किया है, तो उसके अंदर मैंने सूजी ऐड कर दी है और उसके बाद सूजी को भूनते जाना है। सूजी का देखें कलर कितना चेंज हो गया है, इतना भूनना कि कलर चेंज हो जाए। दूसरी तरफ मैंने पानी बॉयल कर लिया था, तकरीबन आधा किलो सूजी के अंदर 2 लीटर पानी ऐड करते हैं। 2 लीटर पानी के अंदर मैंने आधा किलो शुगर डाली और उसके बाद उसको मैंने चाश बना लिया उसकी। और मैंने इस तरह से जब अच्छी तरह से बॉयल आ गया, उसको उबाला आ गया, तो उसके बाद मैंने चाश जो है वो इसके अंदर सूजी भुनी हुई सूजी के अंदर डाली। सूजी का कलर जो है अच्छा खासा चेंज हो तो फिर आप उसको उसमें चाश डालेंगे, वरना जो है अगर कच्ची वाइट वाइट हो तो फिर उसका सूजी हलवा जो है वो अच्छा नहीं बनता। तो सूजी अच्छी तरह भुननी होनी चाहिए, फिर उसके बाद उसका हलवा अच्छा बनता है। फिर उसके बाद मैंने जितने भी मेरे पास ड्राई नट्स थे ये मैंने ऐड कर दिए हैं। और ये बड़ी ही सादा सिंपल बिल्कुल बहुत जल्दी रेसिपी बनने वाली रेसिपी है। ये मैंने बनाना था तो मुझे ये लग रहा था पहले कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो बहुत ही जल्दी ये तैयार हो गया। तो मैंने इसमें थोड़े से छुहारे भी डाले हैं ड्राई नट्स के अलावा, मैंने उनको भगो के रख दिया था, फिर काट के मैंने ऐड कर दिया। इनका टेस्ट भी अच्छा लगता है और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। और मैंने अब इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख दिया और फिर ये हलवा बिल्कुल तैयार हो गया माशाल्लाह। 5 मिनट तकरीबन इसको मैंने दम पे रखा था चूल्हा आहिस्ता करके, तो ये बहुत ही मज़ेदार हलवा तैयार हुआ था। और इसको मैंने नान के साथ हमने इंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। तो आप भी इसको इस तरह से हलवा बनाएं और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।